हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये सुबह सुबह की बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग है जो कि मैं एक बार फिर अपने ग्रिड से बना रही हूँ। और यहाँ पर चिड़िया बहुत ज़्यादा चहकती हैं, तो हो सकता है कि आपको चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हों। बट मुझे आप लोगों के लिए कुछ मैसेज रिसीव हो रहा था बहुत ही प्यारा, तो आई एम ट्राइंग कि एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा मैसेज है जो मैं आपको डिलीवर कर दूँ अपने ग्रिड से ही। और यहाँ मुझे मैसेजेस बहुत ऑथेंटिक रिसीव होते हैं जो मैंने लास्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था। सो जैसे कि मैंने प्रीवियस चैनलिंग की थी कि हमारा अप्रैल मंथ बहुत ही ज़्यादा काफ़ी हार्ड था, और मई मंथ हमारा मैनिफेस्टेशन का है, और आगे तो मज़े ही मज़े। लेकिन ये जो मज़े हैं ये ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं जिन्होंने मेहनत करी है। मज़े मतलब कि आप लोगों के, देखिए थोड़ा सा मैं अच्छे मूड में हूँ, बहुत फ्रेश मूड में हूँ, ग्रिड पे हूँ, और बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग है अभी। तो ठीक है, इस मंथ आप में से बहुत लोगों के, जो लोग ऑलरेडी यूनियन में थे उन लोगों की मीटिंग हुई है। अभी रिसेंटली इस वीक बहुत ज़्यादा मीटिंग हुई है, या अभी आगे और भी ज़्यादा आपकी ट्विन फ्लेम से आपका एक खूबसूरत सी मीटिंग होना स्टार्ट होने वाली है, या आपकी ट्विन फ्लेम आपको अप्रोच करने वाले हैं, या मे बी कि आपके अंदर ये इच्छा चल रही है और बिल्कुल वो मैनिफेस्ट होगी। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। और देखिए ये जो जर्नी है यहाँ पर, ये जो आपने इच्छा जगाई और वो आपसे मिलने आ जाएंगे, ये ऐसा नहीं है कि आपने इच्छा जगाई वो मिलने आ जाएंगे। आपके अंदर भी इच्छा ऑर्केस्ट्रेट होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस जर्नी कि इफ़ यू आर बॉर्न एज अ ट्विन फ्लेम, आप जब से पैदा हुए हो तब से आपकी लास्ट ब्रेथ तक आपकी सोल आपको ऑर्केस्ट्रेट करती है। ठीक है, ये जर्नी माइंड की है ही नहीं, राइट? अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे ऐसे ऐसी सिंक्रोसिटी फील हो रही है, या अंदर से ऐसे गूज़बम्प हो रहे हैं कि यार शायद मेरी ट्विन फ्लेम मुझसे मिलना चाहते हैं, तो यस, ये होना है, इसलिए आपको ये फील हो रहा है। ठीक है, और ये टाइम अब बहुत ही खूबसूरत चालू हो चुका है, या आपकी कुंडलिनी आपकी ट्रिगर हो रही है, ऐसा आपको लग रहा है जैसे कि कुछ हेडेक्स हल्के हल्के से, या स्पाइन में कहीं पेन, तो ये भी साइन है कि आपकी ट्विन फ्लेम आपसे मिलना चाहते हैं। पर अभी ये आप शायद इन द बिगनिंग में हो, इसलिए कुंडलिनी आपकी ट्रिगर हो जाती है। वंस आप फ्रीक्वेंट मीटिंग आपकी हो जाएगी तो ये कुंडलिनी ट्रिगर होना आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज ये है कि मैनिफेस्टेशन आखिरकार हम लोग इस जर्नी पे क्या करते हैं, अपनी ट्विन फ्लेम से यूनियन और उनसे मिलना। और नथिंग रॉन्ग इन दिस, क्योंकि आपको अपनी ट्विन फ्लेम से मिलने का मन इसलिए करता है क्योंकि वो आपकी सोल है। योर सोल अट्रैक्ट्स ईच अदर, उनको भी आपसे मिलना है। बिकॉज ये नहीं कि आप फीमेल या मेल बॉडी हो, यू आर सो ब्यूटिफुल एंड यू आर दिस एंड दैट, नहीं, बिकॉज यू आर देयर सोल, और आप उनकी, आप सोलो, आप उनकी सोलो, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न ऑफ द मैग्नेटिक पुल। सो ये जो एनर्जी, मुझे छोटा सा मैसेज रिसीव हुआ था कि आपकी बहुत सारी मीटिंग्स होने वाली हैं, आपकी ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग हो चुकी है, जिनकी मीटिंग होने वाली है। आपकी ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा धार्मिक, या बहुत ज़्यादा रिलीजियस, या बहुत ज़्यादा शिवा भक्ति वाले, या बहुत ज़्यादा डिवाइन को मानने वाले, मतलब जो भी जिसकी आप लोग रिलीजन के हो, अपने भगवान को बहुत ज़्यादा मानने वाले, बहुत ज़्यादा उनका अट्रैक्शन, रुझान भक्ति की तरफ, पूजा की तरफ, या उस टाइप की जो पोस्टर्स हैं गॉड से कनेक्टेड, काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हो रहे हैं, एंड इट्स अ साइन। और हो सकता है कि वो सेक्सुअलिटी से भी ऑपरेट करें, तो डोंट टेक इट अदरवाइज, क्योंकि हम इस जर्नी पे, क्योंकि वो एक मेल बॉडी हैं, एंड अगर आप फीमेल बॉडी हैं और आप फीमेल एनर्जी हैं, हम हमेशा इमोशंस से ऑपरेट करते हैं, अपर चक्र से ऑपरेट करते हैं, तो आपका बेसिक नेचर ही इमोशनल होना है। पर आपके मैस्कुलिन, उनका बेसिक नेचर है लॉजिक से ऑपरेट करना, सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करना। तो अगर आप इमोशंस ज़्यादा दिखा रहे हो, इफ़ यू आर सो मच रोमांटिसाइजिंग, तो दे विल मिरर यू कि वो भी बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करेंगे। तो आपको लगता है कि यार ये टाइम मीडियम बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हो रहे हैं, तो खुद से पूछिए कि क्या आप बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज हो रहे हैं। इफ़ यू आर सो मच रोमांटिसाइजिंग, दे विल सो मच
लाइक फील सेक्शुअल एनर्जी एंड सेक्शुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू और मे बी दे विल डिमांड, तो उनको ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सेक्शुअल रिक्वेस्ट कर रहे हैं या अर्ज कर रहे हैं. आप अपने अंदर बैलेंस लेके आइए कि दिस जर्नी इज़ बियॉन्ड द रोमांस, दिस जर्नी इज सिंपली फील योर पर्सन इनसाइड एंड दिस इज़ द एटर्नल ट्रुथ. योर पर्सन इज़ योर सोल एंड द पीस, फीलिंग योर पर्सन इनसाइड एंड फीलिंग पीस इनसाइड इज़ दिस कनेक्शन. किसी कनेक्शन में अगर आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइजिंग, बहुत ज़्यादा इंटेंस, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट हो रहा है तो वो बैलेंसिंग नहीं है. व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट योर डीएम एंड यू आर फीलिंग पीस, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट योर डीएम एंड यू आर फीलिंग काम, सेटिस्फाइड, रिलैक्स्ड, सो इट मीन्स यू आर एक्चुअली डूइंग द रोमांस विद योर ट्विन फ्लेम. सो वॉट एवर, जो लोग इस एनर्जी में आ गए हैं, इस सोल की एनर्जी में आ गए हैं, उनके यूनियन, उनकी मीटिंग, और बहुत ही खूबसूरत मीटिंग, और मे बी सेक्शुअल इंटीमेसी पॉसिबल है. एंड इट इज़ अ वेरी वंडरफुल मैसेज, क्योंकि अल्टीमेटली देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन सेक्शुअल इंटीमेसी अंटिल अनलेस यू आर अवेकन एंड योर ट्विन फ्लेम इज अवेकन. तो यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि आपकी ट्विन फ्लेम खुद भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो रहा है, उनका रुझान भगवान की तरफ है, और उसके बाद यू आर गेटिंग द साइन दैट दे आर गेटिंग अवेकन. सो इफ़ यू गेट इंटीमेट, नथिंग रॉन्ग इन दिस. ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जर्नी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, मैं मोस्टली गाइड करना चाहती हूँ न्यू अवेकनिंग को कि वो मिसगाइड ना हो. अगर आपने ट्विन फ्लेम के रूप में जन्म लिया है तो आप आखिरी सांस तक ट्विन फ्लेम ही रहोगे. एक बर्ड है, वो अपनी आखिरी ब्रेथ तक बर्ड ही रहेगी. एक डॉग है, हॉर्स है, एनिमल्स हैं, वो अपनी आखिरी ब्रेथ तक वही रहेंगे, राइट? आप ह्यूमन हो तो आप आखिरी ब्रेथ तक ह्यूमन ही रहोगे. बट अगर आप ट्विन फ्लेम हो, इफ़ यू हैव इनकार्नेट एज अ ट्विन फ्लेम, तो आपकी जर्नी तब तक रहेगी जब तक आप जिंदा हो. मैं आज भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ जो कभी ख़त्म नहीं होती है. आज ही मैं ग्रिड पे हूँ, आज ही मैं काम कर रही हूँ, राइट? क्योंकि मैं काम बीइंग आई हैव इनकार्नेटेड एज अ ट्विन फ्लेम, आई हैव टू वर्क टिल माई लास्ट ब्रेथ. एंड सो विद ऑल ऑफ यू, कि अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो यू हैव टू वर्क टिल योर लास्ट ब्रेथ, राइट? तो हमारी जर्नी का कभी भी अंत नहीं होता है. अब ये जर्नी डेफिनेटली यूजुअल लोगों से अनयूजुअल होती है, यूजुअल लोगों की तरह नहीं होती है, क्योंकि पर आप इस जर्नी में चलना कैसे है, आई कैन नॉट गाइड यू. इस जर्नी पे चलना कैसे है, आई कैन नॉट गाइड यू, या आई कैन बेसिक जो चीज़ें होती हैं आई कैन ओनली एक्सप्लेन यू हियर. बट आपकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी सिर्फ आपकी सोल ऑर्केस्ट्रेट करती है. इस बात को गांठ बांध लीजिए. दो चीज़ में मैं बात करूँगी, एक तो ज़िंदगी में दुखों के बारे में, और एक अबाउट कि हमें अपनी जर्नी चलनी कैसे है. जैसे कल हमने बात की थी कम्युनिकेशन के बारे में. सी, दुख, आप दुखों को सहने के लिए नहीं बने हों. ये मिथ है कि ज़िंदगी में दुख लगे ही रहते हैं. इस बात मैंने पहले भी करी है. जब तक हम विक्टिम एनर्जी में रहते हैं तब तक हम दुख में रहते हैं, क्योंकि हम ऑल द टाइम वी आर सेंडिंग टू द यूनिवर्स एनर्जी, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे पैसे की कमी है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, ज़िंदगी में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, मेरे साथ कभी अच्छा होता ही नहीं है, कुछ अच्छा होता ही नहीं है. अब आप जब आप बार बार ये रटते हो, वॉट अफर्मेशन यू आर सेंडिंग टू द यूनिवर्स, हम ब्रह्मांड में क्या भेज रहे हैं? हम ब्रह्मांड में भेज रहे हैं कि दुख तो लगे ही रहते हैं, तो ठीक है, आपको दुख इसलिए मिलते रहते हैं. हम दुख को सहने के लिए, पीड़ा को सहने के लिए नहीं आए हैं. यहाँ पर बिल्कुल भी मेरी बात को जज मत कीजिए. जब आप सोल की एनर्जी में आते हो, मीन्स नाउ यू आर इन द एनर्जी ऑफ प्योरिटी, इट इज़ बट ऑब्वियस कि नाउ यू हैव शेड ऑल योर लेयर्स, तो अब आप क्यों भुगतोगे? जब तक हमारे ऊपर लेयर्स होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, पाप, दोष, तब तक हम दुख भोगते हैं. बट जब आप सोल की एनर्जी में आते हो, आपने सारी लेयर्स शेड कर दी हैं, आपको जेलेसी नहीं है,
आप पीस में हो, आपके अंदर कोई मद और अहंकार नहीं है, आप काम हो, आपके अंदर कोई भी गुस्सा पैनिक नहीं है, आप सिंपली सेटिस्फाइड हो। जब आप अंदर से काम पीस रिलैक्स की एनर्जी में आ गए हो, यू आर बैक टू योर सोल, आपकी लाइफ से भी सारे दुख डिमिनिश हो जाते हैं, क्योंकि नाउ यू आर रिमेनिंग इन द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। बैक टू सोल मतलब कि यू आर इन द एनर्जी ऑफ सोल, जो एक अनपरा परम आत्मा की आत्मा का जो एक छोटा सा अंश है वो होता है सोल। जब आप सोल की एनर्जी में, जब आप परमात्मा की एनर्जी में हो, तो कैन यू इमेजिन एनी पेन एंड सफरिंग्स? नॉट एट ऑल। तो दुख सिर्फ लोअर चक्रास में होते हैं। वंस यू हैव क्रॉस द लोअर चक्रास, आपकी ज़िंदगी के दुख खत्म हो जाते हैं। सो यू आर नॉट हियर फॉर द लाइफ टाइम टू रिमेन इन द विक्टिम एनर्जीज, बट ये लोअर चक्रास में खत्म हो जाते के बाद खत्म हो जाते हैं। तो आपको चक्रास करने को मैं नहीं बोल रही हूँ, जस्ट सिंपली डू शिफ्ट इन योर लाइफ एंड यू योर लाइफ विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, और डायरेक्टली आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी और आपकी लाइफ में से पेन्स एंड सफरिंग, बिकॉज योर सोल वॉन्टेड यू टू एन्जॉय दिस प्लैनेट। आपकी सोल दो ही चीज़ चाहती है कि फर्स्ट अपनी सोल को वापस पाना। आप अगर ट्विन फ्लेम हो तो आपका आपकी आखिरी ब्रेथ तक आपका फर्ज है बीइंग एज अ ट्विन फ्लेम कि आई हैव टू गेट माई सोल बैक। यस, वेदर यू आर मैरिड और नॉट, वेदर यू आर, आपकी कोई भी एज हो, आप टीनेजर हो या आप 60s में हो, डज नॉट मैटर। सोल का एज से, सेक्स से, जेंडर से, मैरिटल स्टेटस से कोई मतलब नहीं है। सोल को सिर्फ अपनी सोल को वापस पाना है। बट इसके लिए हमें परेशान नहीं होना है पूरी ज़िंदगी भर। इसके लिए हमें, मतलब मैं 4 साल से इनर वर्क कर रही हूँ, मेरा ट्विन फ्लेम नहीं आया है या मेरी एज हो रही शादी की, तो ये परेशान नहीं होना है। लेट योर सोल लीड, लेट योर सोल ऑर्केस्ट्रेट। अगर आपकी लाइफ बाकियों से अनयूजुअल हो रही है कि यार सबकी शादियां होती है मेरी नहीं हो रही है, तो अंडरस्टैंड कि दे आर नॉट ट्विन फ्लेम्स एंड यू आर ट्विन फ्लेम। बर्ड बर्ड की ज़िंदगी जिएगा, आप ट्विन फ्लेम की ज़िंदगी जी रहे हो। हाउ कैन यू कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स? और अगर आपको बाकियों की तरह ही अपने आप को देखना है, देन मेक श्योर कि यू आर ट्विन फ्लेम और नॉट, क्योंकि दिमाग की ये जर्नी है ही नहीं। नो वन कैन से कि मेरा एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, ठीक है, मेरा सोल पर्पज़ क्या है। इट इज़ ऑलरेडी एनकोडेड इन योर DNA। आपके आगे का फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस ऑल योर सोल विल ऑर्केस्ट्रेट यू, ठीक है। नॉट इवन आई कैन टेल कि आपका नेक्स्ट स्टेप आगे क्या होगा, आई कैन नॉट टेल यू, राइट। मेरा आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये मेरी सोल और मेरा डिवाइन मुझे गाइड करेगा, दैट्स इट। बट ऑफकोर्स मुझे ये पता है कि मेरी लाइफ यूजुअल लाइफ नहीं है, जो ज़िंदगी मैं जी रही हूँ ये एक नॉर्मल ज़िंदगी ऊपर सुपरफिशियली लगती है कि इट्स वेरी नॉर्मल, लाइक आई एम मैरिड, आई हैव किड्स, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट नॉर्मल। मेरी लाइफ यूजुअल लोगों की तरह नहीं है। बहुत सारी एनर्जीज से एनकाउंटर करके, बहुत सारे पर्पस को सर्व करना, डिवाइन के ऑर्डर को फॉलो करना, सोल के ऑर्डर को फॉलो करना, जब ऑर्डर आया ग्रिड पे आना है, जब ऑर्डर आया बैक टू घर जाना है, वॉट एवर आप लोगों को एडवांस में बताना है, प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, अभी आगे क्या निकालना है, एवरीथिंग। सो मुझे ये काम मिला है, आपको कुछ और काम मिल सकता है। बट दिस इज़ नॉट यूजुअल लाइफ, दिस इज़ नॉट लाइक अ लाइफ ऑफ अ यूजुअल यूट्यूबर कि चलिए कंटेंट बनाया काम खत्म हो गया। गॉड इज़ एक्चुअली सीरियसली गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओके, आई एम ग्रेटफुल टू रिसीव एंड ओपन टू रिसीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेरी हैप्पी टू सर्व विद माई ट्विन फ्लेम। या क्यों? क्योंकि मैं ही जानती हूँ कि देयर इज नो एंड ऑफ दिस जर्नी एंड इफ आई एम अ ट्विन फ्लेम आई कैन नॉट कंपेयर लाइक अदर कपल्स कि जाके हम हॉलीडेज में जाएं और बहुत सारा रोमांस करें, बहुत सारी मस्ती करें एंड देन नो। हम अगर इनकार्नेट हुए हैं एज अ ट्विन फ्लेम तो इट्स कम्प्लीटली ओके। इस जर्नी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है जो कि शायद दूसरे लोग नहीं जानते हैं। अंडरस्टैंड द एनर्जी, how to come out of the victim mode, how to take the best of this life, इस लाइफ को पॉजिटिविटी से देखना, हर
एक ट्रिगर्ड कंडीशन को कैसे आप स्किप करके उसको फ्लिप कर सकते हो. दैट आई हैव लर्न इन द जर्नी कि कंडीशन अगर कोई बहुत बुरी आ गई है, यू नो द गेम ऑफ द एनर्जी एंड यू कैन इंस्टेंटली फ्लिप द कंडीशन. दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम जर्नी कि आप कंडीशन को खुद फ्लिप कर सकते हो. इसमें मैं आगे वीडियो बनाऊंगी कि हाउ कैन यू फ्लिप द कंडीशंस. ट्रिगर्स आना एक यूजुअल ह्यूमन लाइफ में नॉर्मल है क्योंकि दे आर ऑपरेटिंग विद द लोअर चक्रास. उन्होंने कर्मा किए हैं एंड दे डोंट नो द गेम ऑफ द एनर्जी. दे डोंट नो हाउ टू फ्लिप द सिचुएशंस. बट वी आर ब्लेस्ड विद सो मेनी थिंग्स. वी आर ब्लेस्ड विद कि हम कुछ ही सालों में अवेकन हो सकते हैं. वी नो द गेम ऑफ द एनर्जी. वी नो हाउ टू हैंडल द ट्रिगर एंड सिंपली फ्लिप द सिचुएशन. एंड वी नो हाउ टू लिव द बेस्ट ऑफ आवर लाइफ विद ऑल अबंडेंस, हैप्पीनेस, पीस, सक्सेस, ग्रोथ एंड कामनेस. सो यस, आप अगर इन द बिगनिंग ऑफ द जर्नी पे हो, डिसहार्टन मत हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत डिफिकल्ट है. शायद आप मिस्टेक कर रहे हो इसलिए आपको डिफिकल्ट लग रही है, या आप मिसगाइड हो रहे हो, या आप राइट कंटेंट नहीं सुन रहे हो कि आप अब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है. बट इफ़ यू सीरियसली अंडरस्टैंड दिस जर्नी इज़ ब्यूटिफुल एंड दिस जर्नी इज़ एफर्टलेस, लिटरली एफर्टलेस. जिन्होंने शेयर्ड फील लिया है, कल भावना का मुझे सेशन आया कि मैम जिंदगी इतनी ईजी हो गई है बिकॉज ऑफ यू. शी टोल्ड मी बिकॉज ऑफ यू, बट आई टोल्ड नो, इट इज़ बिकॉज ऑफ द यूनिवर्स. आई एम जस्ट एंड यू नो यू आर होल्डिंग इन हैंडसेट. और अगर इंटरनेट ना हो तो हम लोग हैंडसेट पे बात नहीं कर सकते. तो आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट एंड यूनिवर्स इज इंटरनेट, राइट? तो ठीक है, पर्पज़ यही था कि आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाए. भावना ने कहा कि मैम मैं बहुत ज़्यादा काम स्टेट में हो गई हूँ, मुझे कोई ऑप्शन वो नहीं है. शी इज़ इन यूनियन बट कोई जल्दी नहीं है कि अब आगे क्या होगा. हम बात करते भी हैं लेकिन मुझे अब कुछ बात करने का बातें समझ भी नहीं आती हैं क्योंकि अब कुछ बात ही करने को नहीं रह गई है. हम अंदर इतनी बातें करते हैं, इतने रिलैक्स हैं, इतने काम हैं. तो ये देखिए एक बैलेंस की स्टेट है ये. दिस इज नॉट एबनॉर्मल कि हाँ पर सब कुछ बात करने को है नहीं. व्हाई आई एम नॉट फीलिंग एक्साइटेड टॉकिंग टू माय ट्विन फ्लेम? या मैं हमारी ह्यूमन माइंड है कि या तो हमें सैड फील होना चाहिए या हमें ओवर एक्साइटमेंट फील होना चाहिए. कुछ कुछ तो इम्बैलेंस होना चाहिए, राइट? पर समझिए कि इफ़ यू आर रीच एट द स्टेट ऑफ कामनेस, पीस, सेटिस्फैक्शन एंड यू आर इन यूनियन एंड दिस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर हार्ड वर्क इन दिस जर्नी. बट दिस इज अ बाई प्रोडक्ट, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी. अभी जर्नी में आपको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अभी और सीखना है. एंड राइट नाउ स्टिल आई एम सेइंग कि अभी मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ शिफ्ट अभी आने हैं, और भी बहुत कुछ जानना है, और आपके लिए भी बहुत कुछ लेके आना है. सो टिल योर लास्ट ब्रेथ यू आर इन दिस जर्नी बिकॉज यू हैव इनकार्नेटेड एज अ ट्विन फ्लेम. और आप ट्विन फ्लेम की तरह ही जब इस दुनिया में आए हो, सो बिलीव योर सोल विल ऑर्केस्ट्रेट योर जर्नी टिल योर लास्ट ब्रेथ. सिंपली अलाउ योर सोल, अलाउ गॉड. गॉड ब्लेस यू.